क्या है आप सबके वेलकम बैक टू माय चैनल हमारे एक जानने वाले पाकिस्तान से रिसेंटली विजिट आए वीजा पे तो भाई अब वो टोरंटो में लैंड किए बड़े एक्साइटेड थे और टोरंटो उन्होंने देखा घूमा फिरा और उनका लॉन्ग टर्म बेसिकली विजन ये था कि वो आके कनाडा देखें कि कैसा है और फिर जो इवेंचुअली जो है ना यहाँ पे सेटल होने की देखें कि भाई ऑप्शंस क्या है उनके लिए राइट तो वो और वो पाकिस्तान के ना बिजनेस करते यहाँ पे आए टोरंटो आए घूमे फिरे ऑन्टेरियो में फिर वो बेसिकली फ्लाइट लेके वो आ गए अल्बर्टा के अंदर राइट यहाँ पे भी रिश्तेदार हैं उनके जानने वाले हैं तो यहाँ पे जब पहुंचे यहां तक तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इन टू हिस ट्रिप लाइक यू नो कोई मसला नहीं था इनफैक्ट बड़ा मजा आ रहा था कनाडा के बारे में यहाँ पे होता है भाई एक सीन अब सीन ये होता है कि भाई ही आ, इनको आ, इनकी तबीयत खराब हो जाती और इन्हें हार्ट का बेसिकली चैलेंज हो जाता है राइट यू नो कुछ मतलब के आ, कुछ आ, हार्ट रिलेटेड हेल्थ का चैलेंज होता है तो भाई चौंके अभी हार्ट रिलेटेड है तो फॉरन से इमरजेंसी में गए राइट एमरजेंसी अच्छा यहाँ पे अभी एमरजेंसी इस तरह काम करती है कि भाई लेट्स से कि अगर आप आए और आप बोलते हो मुझे नजला जुकाम है तो आपको बोलेंगे कि तो अर्जेंसी बेसिस पे लोगों को लेते हैं राइट लेट्स तो कि तीस पचास सौ लोग हमेशा वेट कर रहे होते हैं और बेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन आपकी प्रायोरिटी आती है आपका नंबर आता है राइट तो इन्हें बोला कि भाई आप एक काम करें कि आप जो है ना आ, राइट अवे इनको अंदर ले लिया राइट ओके बस वो से एक दो चीजें पूछते हैं नाम क्या आपका अगर आपके पास कोई आईडी है वो भी अगर अगर तबीयत बंदे की इतनी खराब हो तो आईडी भी नहीं पूछते नाम पूछते हैं राइट ओके सिचुएशन पूछते हैं क्योंकि मोस्टली हर बंदे के साथ कोई ना कोई बंदा होता है एक साथ राइट तो उनके साथ भी थे उनकी फैमिली थी गए भाई उनको राइट अवे अंदर ले लिया अंदर ले लिया चेकअप वेकअप किया सारा चीजें मतलब कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी अच्छा अब इस 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 पूरे सीन के अंदर उनसे ये नहीं पूछा गया कि भाई वो कैनेडियन सिटीजन है परमिडेंट है, है, है क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम होता है ना दैट टेक्स केयर ऑफ यू राइट और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आज की वीडियो का मेरा जो मुद्दा या मकसद है और ये स्टोरी आपको बताने शेयर करने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे सिस्टम टेक्स केयर ऑफ यू राइट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि मैं बोलना क्या चाह चाहू देखिये सोसाइटी के अंदर कुछ लोग थोड़ा वलनरेबल होते हैं लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लू एक ग्रुप की जो लोग डिसेबल होते हैं राइट right? uh, कोई भी किस्म की जैसे माजूरी होती है या कुछ लोग स्पेशल नीड्स होते हैं राइट right? ऑटिजम uh, हो जाता है डाउन सिंड्रोम हो गया फिर डिसेबिलिटी के अंदर मतलब के बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं आ, हाथ पैर का ना होना आंखों का ना होना मतलब के हजारों मतलब की चीजें इट कैन गो रॉन्ग राइट सो यहाँ का देखें सिस्टम जो है ना इट टेक्स केयर ऑफ यू एग्जाम्पल ये कि जब आप डिसेबिलिटी पे होते हैं तो आपको डिसेबिलिटी इनकम मिलती है हर मंथ राइट डेट्स अज थिंग राइट लोग ये चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि भाई uh, यहाँ पे सिस्टम जो है वनरेबल लोगों की टेक केयर करता है सही है भाई टैक्सेस आप ज्यादा पे करते हैं बट यू नो सोसाइटी का मकसद क्या होता है और एक मुल्क का मकसद क्या होता है कि भाई देखिए जब आप ज्यादा पैसे बनाए तो आपको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़े जब आप कम पैसे बनाए आपको टैक्सेस कम पे करने पड़े एंड एंड इफ एनी थिंग गोज रॉन्ग इन योर जिंदगी भाई कभी कुछ हो जाता है ना भाई तबियत खराब होने से लेके Uh, एक और एग्जाम्पल लेते हैं चले हम इसी टॉपिक के अराउंड हैं तो मैंने चाहे मैं आपको एग्जाम्पल्स दू और ऑफ द डे हाउ सिस्टम केयर ऑफ यू राइट यहाँ बोलती है ना कि भाई, हम बोलते हैं जो कंट्री इज लाइक योर मदर राइट सो एक्चुअली डस कैनेडा स्टैंड अप टू दिस से नॉट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोग है ना कैनेडा के बारे में कंप्लेन करते हैं टैक्सेस की कंप्लेन करते हैं बाकी चीजों को कंप्लेन करते हैं बोलते भाई सही है मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ भाई मैं बहुत टैक्सेस पे करता हूं अच्छा नहीं लगता है जब आप पे करे होते हो पर जब अगर आप सोचते हो ना कि एक माशरा एक सोसाइटी सोसाइटी फंक्शन वेल जब आप अपने से कमजोर लोगों के कमतर लोगों के गरीब लोगों का टेक केयर करते हैं इसी इसी तरीके से सोसाइटीज आगे बढ़ती हैं राइट कि जिन भी मुल्कों के अंदर आप देखेंगे ना आप ज़्यादा देखेंगे देखेंगे अमीर, अमीर गरीब गरीब होते जाते हैं। होता जाता है उससे इनोवेशन किल होती है उससे बेसिकली एक प्रोग्रेसिवनेस हो जाती है वर्सेज कैनेडा के अंदर आप देखेंगे कि एक मेजर, मेजर, मेजर,

हर किसी की इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है राइट सो so, एक और चीज होती है ना कि भाई यहां पे लोग होता है ये कि आप जब, आप जब जब जॉब जॉब तो आप बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या होता है इसे बोलते है, जब आप आएंगे जब आपकी पहला पे चेक कटेगा आप बोलेगा भाई ये क्या सीन है भाई ये यहां ये यह तो यह किस चीज के पैसे कटे मेरे होता ये भाई कि जब आपकी कल अगर जॉब छुट जाती है जब आपका ले किसी भी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई किसी भी वजह से कंपनी को भाई लोगों लोग जो है ना नहीं चाहिए तो यू स्टिल गेट पेड राइट देखें अब ये यही विद इन इट सेल्फ सच अग अश्योरिटी राइट हम इंडिया पाकिस्तान बहुत से मुल्कों में चले जाते हैं जहां से हम आते हैं जॉब गई गई यू गुड लक अगर आपके सेविंग्स नहीं है इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो गुड लक विद इट राइट अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑफ इनकम नहीं है तो गुड लक राइट वर्सेज कैनेडा इज अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट विद लाइक लाइक यू नो दैट कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आप पे करते हैं सिमिलरली uh, आपको हेल्थ केयर का बहुत सारे लोगों को पता है राइट यू पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ ना हेल्थ केयर के अंदर भी क्या आपको पता है कि 65 के जब आप हो जाते हैं तो आपकी मेजोरिटी चीजें फ्री हो जाती है डेंटल आपका कवर हो जाता है आपके प्रिस्क्रिप्शन कवर हो जाते हैं दैट्स थिंग राइट क्यों यहां पे कैनेडा के अंदर सीनियर्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा है क्यों भाई एक वजह ये भी तो है ना कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम टेक्स केयर ऑफ सीनियर्स राइट हेल्थ केयर केयर सिस्टम टेक्स ऑफ लाइक एक और एग्जांपल है आपके बच्चे होते हैं राइट ओके यू डोंट लाइक यू नो केयर अबाउट लाइक यू नो पेइंग वहां पे पाकिस्तान इंडिया में बच्चा पैदा करना एक प्राइवेट वार्ड के अंदर आप मैथ कर लें अगर आपने क्या होगा आई एम श्योर राइट यू नो कैनेडा के अंदर इट कॉस्ट यू जीरो डॉलर राइट तो वट वट दिस ऑल गोज अराउंड चीज पे आके ये सारी चीजें आके रुकती है ना मुल्क जो माँ की तरह होता है मदर ऑफ इट्स किड्सि राइट कैनेडा ये चीज करता है राइट right, ओके okay? अब इसमें ये भी चीज नहीं है कि भाई कोई परफेक्शन है हर हर इसमें कोई मिस स्टेप्स नहीं हो जाते हैं इसमें कोई किसी कोई रह नहीं जाता ऐसा होता है सिस्टम पे राइट बट

मैं भी कंप्लेन करता था रियलाइजेशन होती है आपको कि यार आप तो पैसे बना रहे हो तो आपके लिए डजेंट मैटर पर जो पैसे नहीं बना रहा जो स्ट्रगल कर रहा है जो वनरेबल है सोसाइटी के अंदर जो बीमार है जो डिसेबल है जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है बाई एटलीस्ट सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द और एक इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्सेस ऐसे मुल्क में जहां पे अमीर अमीर हो गरीब गरीब होता जाए टैक्सेशन ले भी रहे हैं लगा भी दी रहे राइट और आपकी पर्सनल वेलबींग well आपकी सोशल वेलबींग well के ऊपर जो वो है कंट्री स्पेंड नहीं करता एंड वट इज दैट वट इज पर्सनल एंड सोशल वेलबींग एजुकेशन आपका राइट right? आपकी एजुकेशन अच्छी हो आपका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो एक सोशल डेवलपमेंट के ऊपर आप स्पेंड करते हैं पैसा राइट अपने लोगों के ऊपर आप पैसा पैसा स्पेंड करें जब आप लोगों के ऊपर करेंगे तो वो लोग पैसा बनाएंगे इनोवेशन करेंगे आर एंड डी होगा बिजनेसेस जनरेट करेंगे पैसा और उससे प्रॉस्पेरिटी आती है राइट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर और कैनेडा के अंदर आ, यही एक यही एक रीजन है कि जब आप यू लुक अराउंड एवरी वन इज टेकिंग केयर ऑफ राइट ओके सही है भाई आप ज्यादा पैसे बनाते हैं आप ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पॉट के अंदर बेस्ट पार्ट अबाउट कैनेडा सब्सक्राइब करें लाइक like करें शेयर करें और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कॉमेंट्स में जाकर क्वेश्चन करें और अगर इंटरेस्टेड है कैनेडा आने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बिजनेस uh, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर uh, कॉन्टेक्ट करें हमें लॉटिक एल ए डब्ल्यू टी के ऊपर एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू कंसल्ट यू चैट विद यू भाई देखिए हम uh, मैं तो हमेशा आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ कंट्री लाइक कनाडा बिकॉज सही है भाई ये एक परफेक्ट हंड्रेड परसेंट परफेक्ट मॉडल नहीं है पर ये नाइन्टी फाइव परसेंट एक परफेक्ट मॉडल है कंसिडरिंग हम बाकी मुल्कों से कंपेयर करते हैं दुनिया के अंदर और और हर मॉडल के फ्लॉज होते हैं राइट हर मॉडल में चैलेंजेस होते हैं और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है कनाडा आज से पचास साल पहले ऐसा नहीं था पर मुझे ये भी पता है नेक्स्ट पचास साल पहले इससे बेहतर होगा राइट क्यों क्योंकि फ्रॉम पॉलिटिक्स टू कल्चर टू आर्ट्स